जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कल कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी आप लोगों ने? अच्छा, यस सर, क्वेश्चंस लगाए थे। देखिए, कुछ सीधे सीधे से टॉपिक देख लीजिए कि जो होता है उस पर हम किस तरह से करेंगे डिस्कस। पंखे की आवाज तो आने की इसमें रिकॉर्डिंग करने में जी सर अपने माइक को म्यूट कर लें प्लीज। आप लोग आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है। थैंक यू। तो माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, और देखिए अगर स्क्रीन विजिबल नहीं होगी तो मुझे बताइएगा। हमने जो कल डिस्कस किया था वो हमने किया था, मैं एवरेज टॉपिक पढ़ रहा हूँ। एवरेज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एवरेज जो होता है आज हम आपको गण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था डिलीट करिए यार, जरा डिलीट करिए, नंबर भी छोटा छोटा मशीन ना चल रही हो, ये रात ये बोली जा रही ऐसा बंद कर ले। हमने जो डिस्कस किया था वो था कि एवरेज हमारे पास जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तीन चीजें हमने कहा था। एक तो ये चीज थी सब बच्चों के लिए बेटे कि इन्हीं पे ही क्वेश्चन दे दे, मतलब आपके पास तीन चीजें हो गई, एवरेज जिसको आप बार एक्स कहते हो। एक्चुअली हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं इस चीज को भी समझ लीजिए कि जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एन। प्लीज अपना माइक जो है ना म्यूट कर लीजिए सब बच्चे, तो मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी, मेरी आवाज आप सबको आती रहेगी इंशाल्लाह। और ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड होगा, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एज इट इज स्क्रीन के साथ वॉइस के साथ अवेलेबल होगा, तो इसलिए मैंने आज इस पे स्टार्ट किया है। लिंक देखते हैं, कनेक्टिविटी देखते हैं, इस पे कैसा चल रहा है।
तो ये पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा. तो जब रिकॉर्ड होगा तो ये एज इट इज आपको पूरी क्लास विद स्क्रीन विद मेरी वॉइस अवेलेबल रहेगी इंशाल्लाह. तो इसे थोड़ा सा डिटेल में और बिल्कुल बेसिक, कल तो मैंने बेसिक कराया था, अब उसका कॉन्सेप्ट देखो कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है. इंशाल्लाह अगर अच्छा रहा, लिंक सही रहा, तो 2 आवर्स का मेरा सेशन होगा. और जब आप इस क्लास से उठेंगे तो इंशाल्लाह एवरेज थोड़ा बहुत आपको आता होगा. बहुत स्लो मोड में चलेंगे, ज्यादा दौड़ना सर, नहीं है. फ्राइडे है सर जी, आज फ्राइडे है. तो जुमे की नमाज किस टाइम है मस्जिद में? 1:30 बजे. 1:30 बजे मस्जिद जाएंगे आप रूम पर? अरे तो बेवकूफों वाला कुछ क्वेश्चन या मतलब पॉइंट रेज करना जरूरी है. यस सर, यस सर, जरूरी है. मतलब अच्छी बातें कर लिया करो कम से कम. अरे जुमा है माशाल्लाह से, असर के 9 से पहले पहले पढ़ लेना. जोहर पढ़नी है, जो वहां पढ़ नहीं पाओगे घर पे पढ़नी है नमाज. हर जगह मुसलमानों को अपनी टांग अड़ानी जरूरी है कि मैं एज ए मुस्लिम टांग अड़ाऊ. जुमा है इसलिए 2 बजे तक नहीं पढ़ूंगा सर जी. फालतू है मतलब ड्रामा, घर में बैठे हुए असर तक का जोहर का वक्त होता है, पढ़ लेना. कब हम अकलमंद बनेंगे, कब हम पढ़े लिखे बनेंगे, हमें कुछ पता ही नहीं है. एक फालतू की क्वेरी के मेरी रेस कर, सर फ्राइडे है मत पढ़ाइए आज. हद हो गई. साहबाओं की जिंदगियां पढ़ लो पहले. महाभारत और रामायण तो तुमने देखा है तो इसलिए थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हो. साहबाओं के बारे में पढ़ लो. उन्होंने तिजारत करते हुए, उन्होंने जंगों में रहते हुए, उन्होंने बच्चों से दूर रहते हुए नमाज जमात के साथ कैसे पढ़ी, जंग में जमात कैसे होती है पूछ लेना, जरा पढ़ लेना. पता नहीं उसमें, प्लीज थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए एज ए मुस्लिम. प्लीज म्यूट योर माइक वरना कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे बेटे इन चीजों से. नमाज पढ़ेंगे माशाल्लाह, हम कब मना कर रहे हैं. असर तक का वक्त होता है, जोहर की नमाज अव्वल वक्त पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है. लेकिन जब आप ड्यूटी पे होते हैं तो जैसे ही आप फ्री होंगे वैसे ही आपका नमाज का वक्त होगा, ये आपको इजाजत है. और अब मैं और आप इस टाइम ड्यूटी पे हैं, मैं पढ़ाने की ड्यूटी पे हूँ, आप पढ़ने की ड्यूटी पे हैं. तो मेरे लिए और आपके लिए जायज है कि अगर अजान भी हो जाए और गुंजाइश है तो मैं नमाज थोड़ी देर बाद पढ़ लूँ, ये जायज है क्योंकि वी बोथ आर ऑन ड्यूटी. ठीक है प्लीज. यस सर, थैंक यू. आओ इधर, माइक म्यूट करो, थोड़ा सा सुन लो. हमारे पास क्या है, हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो हम x1 x2 x3 xn होते हैं. बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अब आप समझते जाइएगा और लिखते जाइएगा साथ साथ, क्योंकि इंशाल्लाह इससे बेस बनता चलेगा आपका. और जब लास्ट टॉपिक पे पहुंचूंगा तो पूरा चैप्टर इंशाल्लाह आपको क्लियर हो चुका होगा. थोड़ा सा कोशिश रहेगी मेरी आगे आप देखें. तो ये जो नंबर्स होते हैं आपके पास, ये हम मान रहे हैं कि हमारे पास n नंबर्स हैं. अगर n नंबर्स हैं तो मुझे इसका चाहिए सम. तो इस सम को अगर मुझे चाहिए तो ये सम होगा x1 प्लस x2, जो कल एक बार शक्ल आई थी एक क्वेश्चन में, उसको भी समझा रहा हूं. तो इसको कहेंगे xn, x1 से लेके x2 xn. आपने इनका सम कर दिया और आपके पास नंबर्स कितने हुए, जो हमारे पास लास्ट में लिखा हुआ है. अगर यहाँ n लिखा हुआ है तो n नंबर्स होंगे, अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है तो 10 नंबर्स होंगे. तो इसको n से डिवाइड कर देंगे. अगर इसको n से डिवाइड कर देंगे तो इसे हम कहेंगे बार x. तो बार x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n. अब इस सम को भी, जो हमने सम लिखा है, इस सम का एक सिंबल होता है. सम का मतलब, प्लस का मतलब, ये इस तरह का एक सिंबल होता है जिसे बोलते हैं सिग्मा, समेशन. और कहां से कहां तक आप जोड़ रहे हो उसे लिख देते हैं i. और i को आप क्या कहोगे कि 1 से लेके n तक, और यहां लिख देंगे xi. तो ये जो हमारा 1 है, ये जो हमारा 2 है, ये जो हमारा n है, वो अब i की फॉर्म में आ गया. यानी कि हम i को चेंज करते रहेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn. इससे आपका कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन इसके बिना भी सॉल्व हो जाएंगे. लेकिन जो शक्ल दिखाई थी एक क्वेश्चन में उसको मैं समझा रहा हूं. अब इस पूरे को हमें डिवाइड करना है n से. तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया. तो इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं. तो इसका मतलब बार x इज इक्वल टू 1 अपॉन n. आप चाहें तो पेन साथ साथ चला सकते हैं जिससे कि आप बिजी भी रहें थोड़ा, मेरे साथ एक्टिव रहेंगे. तो ये तीन चीजें हैं, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन इज इक्वल टू बार एक्स. तो पहली चीज तो ये है कि इसी पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं. इन तीन में से आपको दो दे देगा,
तीसरा आपसे निकलवा ले, कोई से भी दो। कोई से भी दो का क्या मतलब है वो समझ लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूं ये हमारे पास वन है और हमसे कह दे कि भाई 2, 4, 6, 8, 10 का मीन बताओ, तो ये मैंने आपसे कहा ना तीन में से दो दे दो। तो अब यहां पे हमें क्या दे दिया, यहां पे हमें नंबर्स दे दिए, हम इनका सम निकाल सकते हैं। तो सम हमें दिया हुआ है इसका मतलब, और कितने नंबर हैं वो हम गिन सकते हैं भाई 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास दो चीजें थी, सम और नंबर्स, तो हम आसानी से मीन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6, 12, 20, 30, 30/5 और ये आ जाएगा 6। अब इसका मैंने एक शॉर्टकट बताया था कल आप बच्चों को कि अगर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो अगर एपी में होते हैं, एपी का मतलब ये है कि अगर नंबर्स के बीच में गैप ज्यादा होता मतलब सेम होता है तो वो एपी में होते हैं, तो बगैर सोचे समझे बीच वाले टर्म को मीन कह सकते हैं। तो यहाँ आप बगैर सोचे समझे ये भी कह सकते थे कि भाई अगर हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है और 8 है और 10 है, तो हमारे पास 5 नंबर हैं और 5ों के बीच में 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप, 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 तो ये एपी में है। अगर एपी में है तो मिडिल टर्म जो होगा वो हमारा मीन होगा। मैं पूरा क्लास रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने डिस्कस किया था पिछली क्लास में और उससे आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। दूसरा, अगर एपी में हो लेकिन आपके पास यहाँ पे तो 5 टर्म्स थे, तो आप कह सकते हो कि सर 2 टर्म इधर हैं और 2 टर्म इधर हैं इसलिए बीच वाला 1 टर्म है, तो हमें पता चल गया मीन क्या है। लेकिन सर अगर हमारे पास 6 टर्म होते तब क्या होता, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो ठीक है, अब हमारे पास 2 टर्म बीच में है, इधर भी 2 टर्म बचे, इधर भी 2 टर्म बचे, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास बीच वाले टर्म होते हैं इनका मीन निकाल देते हैं, यानी कि इनको प्लस करेंगे और प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 14/2, 7 आ जाएगा। 14/2 क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। तो अब मीन हमारा 7 होगा। तो एक तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि अगर हमें सीधा सीधा सम दिया हो, नंबर्स दिया हो, तो हम मीन निकाल सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे को ये नोट करना हो तो अच्छी बात है, और नोट कर लिया तो फिर आगे बढ़े। जी बेटे, आप लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। किसी बच्चे को नोट करना है? कर लिया सर। गुड, चलो इसमें अब एक चीज देखो, एक बच्चे ने रात मुझसे क्वेश्चन पूछा था तो उस चीज को समझ लो, उसका क्या फायदा है, क्या चीज होती है वो, ये आपके काम आएगा सभी बच्चों के लिए। अगर आपके पास बेटे, अगर आपके पास कभी भी इस तरह से देखो, इधर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नेचुरल नंबर दिए हों, ये आपके सबके काम आएगा। कल एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो n हैं और ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका सीधा सीधा सम होता है बेटे n(n+1)/2। बगैर सोचे आप ये लिख सकते हो, अगर आपके पास n नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका सम n(n+1)/2 होता है। इनका सम, यहां मैं सम लिख देता हूं, 1+2+3+4+5++ कहां तक, n तक, तो उनका सम होगा। अब अगर आपको इसका मीन निकालना पड़ जाए तो अब आप आसानी से मीन निकाल सकते हो। तो मीन क्या हो जाएगा बेटे इनका, इनका सम तो आ गया n(n+1)/2 और ये नंबर कितने हो गए, ये नंबर हो गए n, तो n से n कट जाएगा, तो मीन कितना आएगा, n+1/2।
ठीक है, तो ऐड नहीं करना पड़ेगा। मतलब यहाँ ध्यान से, ध्यान में क्या रखना होता है, यहाँ ध्यान में ये रखना होता है कि कितने नंबर्स हैं, एन है, तो एन ही आएगा हर जगह। क्या मतलब है आप समझ लो, मैं आपसे कहूं कि भाई मीन बताओ, किसका मीन बताओ, 1, 2, 3 कहां तक, 20 तक। आपके पास 1 से लेके 20 तक नंबर्स हैं और आप जो है इनका मीन बताओ, तो मीन निकालने के लिए आपको इनका सम निकालना पड़ेगा। अगर आप सम निकालोगे तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि सर मीन जो होगा वो होगा 1 + 2 + 3 + 20 और ये नंबर्स कितने हो गए, 20 ही नंबर्स हो गए। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप जोड़ने बैठो कि 1 + 2 + 3 कितना होता है, और एक जो है ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि भाई n इंटू एन प्लस 1/2 इसका सम होता है। तो यहाँ पे n कितना है, क्यों भाई ये जो क्वेश्चन हमने कहा है यहाँ पे n कितना है, 20 जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n तो 20 आएगा, n प्लस 1 20 प्लस 1 आएगा अपॉन 2, ये हो गया सम। और इसको n से डिवाइड करना है, ये जो मैंने 20 लिखा है तो इसको आप 20 से डिवाइड कर दो, तो 20 से 20 कट जाएगा और आंसर आएगा 21/2। तो 21/2 क्या होता है, 10.5। ठीक है, अब ये तो छोटा नंबर था, 1 से लेके 20 तक था, इसलिए आप खुद कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है, आपसे क्या कह दे, आपसे कह दे नहीं सर मीन निकालो, मीन निकालो 1, 2, 3, 4 कहां तक, 100 तक। कहां तक निकालो, 100 तक मीन निकालो। अब अगर 100 तक मीन निकालो तो आपको मीन निकालने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 100 डिवाइडेड बाई नंबर्स कितने हैं, 100। तो सर ये 100 तो ऐसे ही आ जाएगा अपॉन वाला, आपको लिखना है इसका सम। सम होता कितना है बेटे, सम होता है n into n plus 1/2। तो यहाँ पे n कितना है, 100, यहाँ पे n है 100, तो आपके पास क्या आएगा, 100 into 100 plus 1 बाई 2, तो 100 से 100 कैंसिल, प्लीज बंद करिए माइक को, तो 100 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा 50.5। नोट करिए अगर करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, नहीं सुबह आ गए भाई, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, ठीक जी बेटे, कुछ समझ में आया क्या आपको? यस सर, यस सर। तो ये हमारे पास है इजी करने के लिए, अगर आपको नेचुरल नंबर्स दे दें, ठीक है। अभी एक चीज और करेंगे, ये चीज और सीख लेना आप। तो हमारे पास क्या है, अगर नेचुरल नंबर्स दिए जाएं, ये फॉर्मूला हो गया, ये पूरी क्लास इंशाल्लाह रिकॉर्ड हो रही है, कोशिश करूंगा आपको इसका लिंक भेज सकूं, थोड़ा बड़ी क्लास होगी लेकिन कोशिश करूंगा इसका लिंक आ जाए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट तो आ ही जाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं, ये भी मैं भेज ही दूंगा आपको, तो अच्छा है। प्लीज अब देखिए इधर, प्लीज अब देखो एक चीज और, कल बच्चे ने पूछा था, आपकी बुक में ही क्वेश्चन था जो हमने वर्कशीट दी हुई है। हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास दिया हो ये चीज, देखो इधर 1² + 2² + 3² + + n²
अब अगर आपको इसका सम निकालना हो, देखो वो जो था वो था सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एक सेकेंड, तो स्क्वायर्स का सम हम कैसे निकालते हैं ये हमें देखना है। इसका सर फॉर्मूला होता है ना, एन ऑफ एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। इसमें बीएड वाले बच्चे आ गए क्लास में या नहीं? अभी कोई है बीएड ग्रुप से बच्चा? यस सर। ओके बेटे, बेटे औरों को और बता दीजिए जरा प्लीज, बच्चे फिर चाह रहे थे क्लास लेना, तो प्लीज अपने अपने ग्रुप्स में सब बच्चों को बता दिया जी। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या है, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इसका सम का भी बेटे फॉर्मूला होता है, वो होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। कल इस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, उसको भी उठाएंगे, बच्चे ने एक ने पूछा था मुझसे, तो मैंने वैसे तो बता दिया था, लेकिन इसका ये मतलब, तो ये हमारे पास होता है सम। अब इसका क्या मतलब है, सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको हम अभी यूज भी करेंगे, सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, अच्छा चलो पहले इसको लिख लेते हैं। अब अगर हमें इनका मीन निकालना है, ठीक है, तो अगर मीन निकालना है तो मीन क्या होगा, हम इसका सम निकालेंगे, तो सम आएगा बस एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ठीक है। और कितने नंबर्स हैं हमारे पास, नंबर्स हैं एन, तो हम एन से डिवाइड कर दें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ एन है, ध्यान रखना। तो इससे हम मीन निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास कल एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज में भी आपको दिखाएंगे भी, ठीक है, बच्चे ने पूछा भी था, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था और यहाँ आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि भाई सपोज करो हमारे पास है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस प्लस सेवन स्क्वायर, आपसे कह रहा है इसका मीन निकालो, तो सीधी सी बात है अगर मीन निकालना है तो इसको हम प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई सेवन कर देंगे, तो ये इसका मीन आ जाएगा। अब इनका सम कितना होगा स्क्वायर का, तो उसका फॉर्मूला है, तो ये क्या हो गया वन अपॉन एन, तो सेवन आ गया। अब इसका सम निकालो, तो सम क्या होता है एन, अभी जो हमने लिखा था एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। मुझे बताओगे इसमें एन कितना है? सेवन। वेरी गुड, शाबाश। तो ये आएगा बेटे सेवन इंटू सेवन प्लस वन इंटू टू इंटू सेवन प्लस वन बाई सिक्स, तो ये इसका आंसर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा बेटे कि सेवन से सेवन तो कट ही जाएगा, आपके पास क्या आ गया बेटे सिक्स इंटू, ये है टू सेवन जा फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, फिफ्टीन अपॉन सिक्स, ठीक है, सॉरी सेवन प्लस वन इज एट, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, टू से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, टू फोर जा टू थ्री जा, थ्री से इसे कैंसिल कर सकते हैं, थ्री फाइव जा, तो फोर फाइव जा क्या हो गया ट्वेंटी हो गया। तो अगर आपके पास आपसे कह रहा था कि वन स्क्वायर टू स्क्वायर सेवन स्क्वायर का मीन निकालो, तो मीन ये होगा, इसे नोट कर लो दोनों चीजों को, तो फिर मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ जो बच्चे ने कल पूछा था और आपकी बुक में भी था, क्वेश्चन नंबर 31 है। अरे वाह क्या बात है, ऐसी बात नहीं, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। मैंने ही पूछा था। आपने पूछा था, अब समझ में आ गया आपको? जी सर। सर इसमें क्यूब वाला भी तो होता है। अरे पहले एक तो पढ़ लो, एकदम से हिमालय पे क्यों पहुंच जाते हो, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ेंगे एक एक सीढ़ी, एकदम से कूद पड़ते हो सर, वो भी बताओ वो भी बताओ। चलो इसे नोट करो सर, पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, एवरेस्ट पे पहुंचाएंगे, आपको टेंशन ना। हमने कहा ना जब एग्जाम देने जाओगे तो इनशाला ये कहीं से फीलिंग नहीं होगी कि सर ने ये नहीं बताया था या ये नहीं पढ़ाया था, ये कोशिश रहेगी आपकी, आपको एग्जाम में जाके ये बिल्कुल फील ना हो कि ये तो देखा ही नहीं था। इनशाला सर, इनशाला बस उससे फिर सॉल्व भी कर लेना, इनशाला सर देखा तो था, याद नहीं है क्या था, ये मत कर देना, तो घिसना है अपने आपको, प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह कामयाब करे भाई, इस दौर में अपने आप को बेस्ट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेमार्क और डार्विनवाद जो था ना,
कि बेस्ट विल सर्वाइव, तो ये दौर वही चल रहा है खतरनाक वाला, अल्लाह मियां माफ करे, अगर आप सबसे बेस्ट हैं तभी आप जिंदा रह पाएंगे, तभी आप वजूद में रह पाएंगे, तभी लोग आपको सुनेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, अगर आप नीचे हैं तो उनका कोई ध्यान नहीं। और ये आपको साफ दिख रहा होगा, कोटा में जो पढ़े लिखे बच्चे पढ़ने लिखने गए हैं उनके लिए बसें जा रही हैं, एसी बसें जा रही हैं, जो मजदूर तबका है उसको मरने दीजिए, कोई उसको पूछने वाला नहीं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं या बाहर जो लोग थे कंट्री में, उनके लिए हवाई जहाज स्पेशल भेजे जा रहे हैं, उन्हीं की वजह से बीमारी हिंदुस्तान में आई है, लेकिन जो बेचारे यहाँ सड़क पे हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनका कोई पूछने, उनके पुलिस डंडा और मार रही है, उनको एसी में रख के खाना खिला रही है, इनके डंडे मार रही है। तो ये क्या है, बेस्ट विल सर्वाइव, आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। आप ये सोचो कि हुकूमत बहुत या कोई भी आपको बहुत रहम दिल होगा, कुछ नहीं रहा भाई अब इन चीजों का, अब तो आपको बेस्ट बनना पड़ेगा तभी आपकी सुनवाई होगी। रिसोर्सेज इतने कम हैं, तो रिसोर्सेज कम होने की वजह से लड़ाई तो होनी है कि कौन इस रिसोर्सेज का फायदा उठाएगा कौन नहीं, तो फिर जो बेस्ट होगा उसको रिसोर्सेज दिए जाएंगे, जो नहीं होगा भाई छोड़ो इनको इनके हाल में। तो इसलिए पूरा एफर्ट लगा दीजिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए। अच्छा नोट कर लिया? यस सर। देखो क्वेश्चन क्या था, पहले तो उसकी शक्ल देख लो, क्योंकि क्वेश्चन की शक्ल चेंज करके आपको दिया गया था, तो इसलिए ये सोच पाना कि ये इसके इस तरह से होगा वो भी सबसे जरूरी है। ये आपको क्वेश्चन विजिबल हुआ बेटे? यस सर। ठीक है, इसको मतलब क्वेश्चन वही है, लेकिन देखो उसने किस तरह से लिखा है कि आदमी कंफ्यूज हो सकता है। और हमारा क्या होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक चीज होती है सॉल्व करना आना, कि मुझे सॉल्व करना तो आता है लेकिन उसमें मैं टाइम ले रहा हूँ। अब जैसा ये है कि भाई इसका मीन निकालना, ठीक है मैं इसको सम कर देता हूँ, अब बैठ के आप ऐड कर दो 1+2, 3, 3+2, 5, 5+3, 8, ये चीज, तो ये तो टाइम लगेगा। अगर आप टाइम लोगोगे तो फिर इसका वो होगा क्या कि उससे नुकसान होगा कि दूसरा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा भी सोचोगे तो सोचोगे वन इज कमिंग वन टाइम, और टू जो है टू टाइम आ रहा है, और थ्री जो है थ्री टाइम आ रहा है, ठीक है, और फोर जो है फोर टाइम आ रहा है, फाइव जो है फाइव टाइम आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर वन वन टाइम आ रहा है तो मैं ये लिखूं, और अगर टू टू टाइम आ रहा है तो मैं टू इंटू टू कर दूं, और थ्री अगर थ्री टाइम आ रहा है तो ऐड करने जगह मैं थ्री इंटू थ्री कर दूं, अगर फोर फोर टाइम आ रहा है तो मैं प्लस करूंगा फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर तो सिक्सटीन होगा ना, तो फोर इंटू फोर कर दूं। कुछ समझ में आ रहा है? फाइव फाइव टाइम्स आया है, सिक्स सिक्स टाइम आया है, सेवन सेवन टाइम आया है, तो ये हो गया स्क्वायर। तो अपॉन कितने नंबर्स हो गए, सेवन, तो सेवन से डिवाइड कर दो। कुछ समझ में आया सर? यस सर। ये वाला क्वेश्चन था, तो खैर तो ये था स्क्वायर्स वाला। अब जैसे आप कह रहे थे तो अब हमारे पास एक होता है फॉर्मूला बेटे क्यूब का, वो भी लिख लीजिए। तो ये तीन स्पेशल, फिर एपी का भी बता देता हूँ जिससे वो भी कभी काम आ जाए, उसे अलग से भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ भी करेंगे। भाई इसे इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो, और अगर मोबाइल पे बीएसएनएल चल रहा है तो उसका वाईफाई ऑफ कर दो, ज्यादा नहीं वैसे 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 ऑफ कर दो, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट पे लगने से भी शायद नेट प्रॉब्लम कर रहा है।
तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, n क्यूब. गुलजार भाई कहाँ हैं? गैस लेने कहाँ से? चचा से को ना यही पूछा दिया करेंगे, उनसे इसी में एडजस्ट कर लिया करो. मेरे को कह देते इतने वो करें इतने आप करें, सर उसमें एडजस्ट कर लो. फिर फीस दे दो, कितनी फीस रह रही है उनपे तो कह दो. अब यही है बस, एक आधा तो फोन मत करो ऐसे को, तो कह दो आप में से कोई सा एक बेशरम बन जाओ. नहीं आप करो, चचा देख लो कुछ थोड़ा बहुत हो तो. कुछ नहीं जा रहा भाई, जब जब सारा माहौल ऐसा है तो है कि इस लायक है. नहीं वो तो है इस लायक, तो वो तो रखते हैं इसी लायक. नहीं वो तो सर वो तो मान लीजिए उससे बात हुई जाकर, उससे बात हुई क्या? हाँ भाई, तो हमारे पास क्या है, 1 से लेके n तक है, तो बेटे इसका सम होता है. देखो जो पहला वाला था अगर आप देखोगे तो इसलिए आपको याद करना आसान रहेगा. तो जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स था वो क्या था आपका, आपका था n इंटू n प्लस 1 बाई 2 जो हमने कहा है. तो दोनों को आप याद रख सकते हो कि भाई फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2. तीनों को एक बार लिख भी देंगे तो क्यूब का सम इसका स्क्वायर होता है. तो क्यूब का सम सीधा सीधा n, n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर होता है. ये होता है क्या मतलब है देखो, अब तीनों लिख लो एक साथ, जितनी बार लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2. अगर आपके पास होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस प्लस n स्क्वायर इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस प्लस n क्यूब इसका सम होता है, मैंने इसको कहा है इसका स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर. ये तो ये तीन फॉर्मूले थे बेटे जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो पहली चीज तो ये है जो हमने शुरू से स्टार्ट किया था कि भाई अगर हमें सम नंबर्स और मीन इन तीन में से दो देगा तो हम मीन निकाल सकते. तो पहले तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख लो.
सर नोट कर लिया? यस सर। देखिए अब नई चीज देखिए, क्लास फादर नेम, फिर उसका सोशल स्टेटस भी चाहिए, क्या करते हैं घर वाले, कितने बच्चे हैं फैमिली, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। फिलहाल तो जो यहाँ है वो डलवा लो, फादर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, गांव, अगर एड्रेस ना हो तो गांव, फिर उसकी डिटेल्स बाद में डलवाएंगे जी। अब देखो हमारे पास क्या था, कल मैंने आप लोगों को बताया था, उसी को हम फिर आगे फॉर्मलाइज करते हैं। हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो है बेटे ये नंबर्स हैं एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ये हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अब जब आप ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह सीख लोगे तो आपको फिर सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो फिर हर क्वेश्चन आपको लगेगा अच्छा ये इस तरह से होता था, ये इस तरह से होता है, और फिर उसका प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस की। तो हमारे पास क्या है, x1, x2, x3, xn, ये हमारे पास नंबर्स हैं, और ये तो हो गए हमारे पास नंबर्स, ये मैं यहाँ लिखता भी चलूं, ये हमारे पास नंबर्स हो गए, ऑब्जर्वेशन जिन्हें आप कहते हो, और नंबर्स कितने हैं, नंबर्स हो गए एन नंबर्स, क्योंकि लास्ट में एन लिखा हुआ है। तो इसका जो मीन होता है, इसका जो मीन होता है वो बार एक्स होता है, ठीक है। अब मैं आपको सारों के लिए एक ही चीज लिख रहा हूं कि क्या कर रहे हैं, कि अगर हम ईच टर्म, इफ ईच टर्म, ठीक है भाई, इंक्रीज्ड, ईच टर्म इंक्रीज डिक्रीज्ड मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए फिक्स नंबर, ठीक है। सारे टर्म्स को अगर आपने एक नंबर से इंक्रीज कर दिया, ऐड कर दिया आपने, या डिक्रीज कर दिया, या मल्टीप्लाई कर दिया, या डिवाइड कर दिया, तो आपका मीन चेंज हो जाएगा। तो न्यू मीन विल बी, सो न्यू मीन या मीन कह लीजिए विल बी इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड मल्टीप्लाइड डिवाइडेड By the same number, by the same number. क्या मतलब है कहने का समझ लीजिए, मतलब ये है कहने का कि भाई हम क्या कह रहे हैं, हम अब दोबारा से इसको सिंबल्स में समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं x1, x2, xn, और इनका जो मीन है वो बार एक्स है। लेकिन अब अगर आपके सारे नंबर्स, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अब आपके सारे नंबर में ए प्लस हो गया, ठीक है, सारे नंबर्स में आपने ए को प्लस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मीन होगा, आपका जो मीन आएगा वो बार एक्स प्लस ए हो जाएगा, बार एक्स प्लस ए हो जाएगा। क्या मतलब है, इसको एग्जांपल भी ले लो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इसका क्या मतलब है। अरे क्या है इसका मतलब, ये है अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि इफ मीन ऑफ
five numbers is 10. अब आपको स्क्रीन बड़ी नजर आ रही होगी ना या नहीं? बड़ी नजर आ रही है. ठीक है, आप अपने मोबाइल को ना सीधा ना रख के थोड़ा सा वैसे कर लिया करो हॉरिजॉन्टल, तो स्क्रीन को रेजोल्यूशन बढ़ा, वो रोटेशन वाला जो होता है, तो स्क्रीन बड़ी नजर आएगी थोड़ी सी. तो ये फाइव मीन ऑफ फाइव नंबर इज 10, एंड इफ ईच नंबर इंक्रीज्ड बाय टू तो न्यू मीन विल बी. तो न्यू मीन बताओ, ये आपसे पूछ रहा है. इफ मीन ऑफ फाइव नंबर इज 10 एंड इफ ईच नंबर इंक्रीज बाय 2 न्यू मीन विल बी. तो मैंने आपसे क्या कहा है कि हमारे जो नंबर्स थे वो थे x1 x2 xn और मीन था बार x. मीन हमारा था बार x. ठीक है, तो मीन अगर हमारा बार एक्स था तो ये हमें दिया हुआ था कि फाइव नंबर्स हैं और मीन 10 है. फाइव नंबर्स हैं और मीन जो है वो 10 है. अब आप क्या कह रहे हो कि हर एक नंबर में आपने ए ऐड कर दिया तो मीन में भी ए ऐड हो गया. तो क्योंकि आपने हर एक नंबर में इस बार 2 ऐड किया है तो जो मीन था उसमें डायरेक्ट 2 ऐड हो जाएगा, तो आंसर बगैर कुछ लिखे 12 हो जाएगा. फिर बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इफ मीन ऑफ फाइव नंबर इज 10, इफ ईच नंबर इंक्रीज बाय 2 न्यू मीन विल बी 10 + 2 = 12 बगैर कुछ करे. ठीक है, चलो इसको एक बार कर लेते हैं, फिर इस पे एग्जांपल ले लेते हैं. अब यहां देखो, अगर प्लस करने से हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, अगर आपने माइनस किया है, ए जो है माइनस किया है या ए जो है मल्टीप्लाई किया है या ए जो है डिवाइड किया है, ठीक है, तो आपके मीन में भी वो चीज माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगी. ध्यान रखना, अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में आपसे इंक्रीज की जगह डिक्रीज कह देता, माइनस हो जाएगा, आपसे कहता कि नहीं भाई ईच नंबर डिक्रीज्ड बाय 2, ठीक है भाई, तो फिर आपका नया मीन कितना हो जाता, 10 - 2 = 8. अगर आपसे कहता नहीं मल्टीप्लाइड बाय 2 20 तो फिर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता. सर कुछ समझ में आ रहा है? यस सर. लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, ईच नंबर की बात हो रही है, ईच नंबर. अब इसको वैसे समझ लीजिए कि सर ये वैसे अगर हम करते तो क्या होता, हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन करके देख लेते हैं. हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 नंबर दिए हुए हैं और हमारे पास जो सम दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी मीन दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है. तो मैंने आपसे कहा था जब आपको ये दो चीज दी हुई हो तो आप सम निकाल सकते हैं. सम कैसे निकालते हैं, मीन को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो इनका सम हो जाएगा 50. कितना हो जाएगा, 50. अब आप हर एक नंबर में 2 बढ़ा रहे हो. अगर हर एक नंबर में 2 बढ़ा रहे हो और आपके पास 5 नंबर हैं, हर एक को 2 दोगे आप, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो आपने बढ़ा दिया 2 × 5 = 10. पहले वाला था आपके पास 50 और 10 आपके पास और हो गया, तो आपका जो नया वाला सम है 60 हो जाएगा. वो 60 हो जाएगा और नंबर्स अभी भी आपके पास 5 ही हैं, तो आपका नया वाला मीन कितना होगा भाई, 12. तो अगर हम इतना लंबा करते तो टाइम लग रहा था, तो वो हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास मीन पहले 10 है और हर एक नंबर में 2 बढ़ रहा है तो मीन भी डायरेक्ट 2 बढ़ जाएगा. सर सही है? तो इसे लिखना चाहे लिख लीजिए कि अगर हमारे पास अगर अगर हमारे पास, मैं बार बार इस चीज को लिख रहा हूं, अगर हमारे पास जो नंबर्स हैं
उसमें प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड ए हो रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड ए हो रहा है, तो जो हमारा मीन था उसमें भी प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड ए हो जाएगा, तो ये हमारा न्यू मीन होगा। तो ये हमारा न्यू मीन होगा। अगर हम सीरीज में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तब क्या होगा? क्या बेटे? अगर हम सीरीज में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ नंबर्स नए डाल देंगे। जी बेटे, उस पे अभी आएंगे, उस पे भी अभी आएंगे, वो टॉपिक आगे है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जितने नंबर्स हैं उतनी ही बात कर रहे हैं, कोई नंबर घटा नहीं रहे हैं, कोई नंबर बढ़ा नहीं। अच्छे डाउट्स हैं ये लिख के रखो, अगर मैं मिस कर गया क्लास में नहीं बता पाया तो लास्ट में मुझे सर ये वाला पॉइंट रह गया, जो भी आप बच्चों के जहन में आ रहे हैं, बट अभी मेरे साथ कंटिन्यू करते रहिए। तो वो भी बात, अभी हम सिर्फ उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं बेटे, कि हमारे पास नंबर उतने ही हैं और सबको बराबर दे रहे हैं। ठीक है, मैंने कल कहा था आपसे, एक बार फिर इसको भी समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा था कि एवरेज का मतलब कुछ नहीं होता है, एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल। कल मैंने एग्जांपल लिया था, समझ लीजिए उसको, इस तरह से भी सोच लीजिए, क्योंकि इसी पे फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। मान लीजिए हम तीन लोग हैं, एक के पास 50 रुपए हैं, एक के पास 60 रुपए हैं और एक के पास 10 रुपए हैं। वी आर जस्ट 3 पर्सन, ठीक है, और हम चले गए घूमने, और घूमने चले गए तो भाई चलो कुछ खा लें, भूख लग रही है। अब किसी के पास इतने पैसे नहीं है जो एक अकेला सबको दावत कर दे, तो फिर कंट्रीब्यूशन वाली बात आ गई, भाई सब अपने पैसे निकालो। तो सब ने पैसे निकाले, 50 + 60 + 10 एक जगह कलेक्ट कर लिए, तो पता चला 120 रुपए हैं। तो अगर 120 रुपए हैं और हम तीन लोग हैं तो इसका मतलब हर एक के हिस्से में 40 रुपए आ रहे हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई पहले वाले के पास भी 40 हैं, दूसरे वाले के पास भी 40 हैं, दूसरे वाले के पास कह लीजिए या पहले के लिए भी 40 हैं, दूसरे के लिए भी 40 हैं और तीसरे के लिए भी 40 हैं। तो अब हम 40 रुपए का कुछ खा सकते हैं। अगर वहाँ कुछ इस तरह से मिल रहा है, कोई आइसक्रीम मिल रही है, कोई छोले भटूरे मिल रहे हैं, तो छोले भटूरे की प्लेट 40 रुपए की मिल रही है, तो ठीक है भाई छोले भटूरे खा लेते हैं। तो जो हमारा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन था वो अलग था, दैट वॉज 50, 60 and 10, बट जो अब हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 40। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल इज कॉल्ड एवरेज, इज कॉल्ड मीन। तो अगर आप ये कहते हो, अगर आप ये कह रहे हो कि भाई हमारे पास 5 नंबर हैं और उनका मीन 10 है, 5 नंबर हैं उनका मीन 10 है, इसका मतलब आपने उनको पहले से इक्वली 10 10 10 रुपीज दे रखे हैं। ये आप दिमाग में रखिए, एवरेज मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल। अब आप क्या कह रहे हो, ईच नंबर इंक्रीज बाय 2, तो इसका मतलब आपने हर एक को 2 2 रुपए और दे दिए। तो व्हाट इज न्यू मीन, व्हाट इज न्यू एवरेज, व्हाट इज न्यू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 12। सर कुछ समझ में आया? ठीक है, तो ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको भी यूज करेंगे। तो अभी बेटे हम सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि अभी हम नंबर्स भी उतने ही रख रहे हैं जितने में 5 हैं 10 हैं 20 हैं और सबको इक्वली दे रहे हैं, तब तो हमारा ये होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा है, अभी सिर्फ इसको कंसिडर करिए कि अगर हमारे पास नंबर्स हैं x1 x2, ठीक है, और उनका जो मीन है, उनका मीन है 12x, उनका मीन है 12x। अब उसमें अगर आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर ईच टर्म, तो फिर सीधा सीधा मीन भी इंक्रीज हो जाएगा विद दैट नंबर। अभी सिर्फ हम इतनी सी बात कर, अब उससे आगे पे आते हैं कि अगर हम नंबर डिक्रीज करें, अलग अलग नंबर दें तो क्या होगा। डन, ये पीछे अगर कुछ लिखना हो आपको जो हमने डिस्कस किया है तो आप लिख सकते हैं, इनमें से कुछ लिखना तो नहीं है ना? क्यों भाई, क्लियर है ना बेटे यहाँ तक? यस सर। देखो अब बात बढ़ाते हैं आगे कि नहीं सर अगर एक ही नंबर इंक्रीज हो तो क्या होगा और उस पे अलग अलग लैंग्वेज आएंगी तो क्या होगा। अब इस तरह से कहते हैं, देखो अब मैं अलग अलग एक ही पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको अलग अलग फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे क्या कह रहा है
क्वेश्चन समझिए फिर उसका आंसर करेंगे. मीन ऑफ फाइव नंबर्स इज 10. ठीक है, प्लीज ध्यान से देखो, मैं अलग अलग लैंग्वेज लिख रहा हूं, एक ही क्वेश्चन पे अलग अलग लैंग्वेज लिखूंगा बेटे, उसको समझने की कोशिश करना कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से एग्जामिनर लिख सकता. इफ वन नंबर इंक्रीज्ड बाय 5, वन नंबर इंक्रीज्ड बाय 5, व्हाट इज न्यू मीन. उनसे बात हो गई क्या कुलदीप से? है भाई, उनसे बात हो गई कुलदीप से जो नंबर दिया था जी, उन्हें वो भेज दिया लोकेशन. इफ वन नंबर इंक्रीज बाय 5 तो आपसे कह रहा है न्यू मीन बताओ. ठीक है, लेकिन देखो मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं. हेलो, यस सॉरी भाई, नेट कनेक्शन ऐसे ही चल रहा. हाँ भाई, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे. हमने कहा था कि मीन ऑफ फाइव नंबर इज 10. इस क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, वन नंबर इंक्रीज बाय 5 तो न्यू मीन क्या होगा. स्क्रीन विजिबल है बेटे? यस सर. ठीक, यस सर. मीन ऑफ फाइव नंबर इज 10. इफ वन नंबर इंक्रीज बाय 5 तब इसका नया मीन क्या होगा. मैं भी आंसर दूंगा सारों का, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं क्वेश्चन ही चेंज कर रहा हूँ. मैं आपसे कह रहा हूँ इफ, तो इसका भी मतलब समझिए अब क्या होगा. इफ वन नंबर 10 is replaced by 15, ठीक है, what is new mean. क्या अब इस जो लैंग्वेज मैंने लिखी है इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं कि वही है मीनिंग? क्यों भाई, पहला नंबर क्या था? 10. पहला नंबर क्या था? 10. अरब नंबर क्या हो गया? 15. तो नंबर को आपने रिप्लेस किया है ना, नंबर को आपने हटाया नहीं है कि भाई एक नंबर हटा दो अब नंबर कम रह गए. नंबर तो हमने जरूर हटाया लेकिन उसकी जगह दूसरा ले लिया, तो जितने नंबर्स पहले थे उतने ही नंबर्स अब भी हैं. यस और नो? यस सर. है ना, तो नंबर हमारे अभी भी 5 ही रहे, लेकिन पहले वाले के पास 10 रुपए थे, इसके पास 15 रुपए हैं, तो ये 5 बढ़ गया. तो क्वेश्चन अभी भी वही है जो हमारा पहले था कि भाई अगर एक नंबर 5 बढ़ जाए तो मीन क्या होगा. सर क्लियर है? सब बच्चों को लैंग्वेज क्लियर है कि सर क्वेश्चन तो अभी भी वही है? यस सर. है ना, अब एक और लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं मैं इसी क्वेश्चन की. एक और लैंग्वेज आपसे क्या कह रहा है कि इफ वन नंबर 10 इज, या वन नंबर 15, इज मिसरीड एज 10, तो व्हाट इज करेक्ट मीन. आप समझने की कोशिश करिए तीनों ही चीजों को. मैं दोबारा से लिख रहा हूं कि भाई मेरे पास ये 5 नंबर हैं, या इसको भी ऐसे ना करके हम ऐसे करते हैं. मेरे पास ये 5 नंबर हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर,
और इनका जो मीन है, इनका जो मीन है वो 10 है। अब पहले वाली लैंग्वेज में आपने क्या किया, पहले वाली लैंग्वेज में आपने कहा कि एक नंबर जो है वो 5 बढ़ गया, उसके पास 5 रुपए और आ गए, तो न्यू मीन बताओ क्या होगा। दूसरे पार्ट में आपने क्या कहा कि सर हमने इस वाले नंबर को तो हटा दिया, इस वाले नंबर को तो हटा दिया और इस वाले नंबर को ले लिया और ये नंबर है 15, ये वाला था 10, 10 को हटा दिया और उसकी जगह 15 ले लिया। और तीसरे वाले कॉन्सेप्ट पे हमने क्या कहा कि हमारे पास जो एक्चुअल नंबर था वो हमारा एक्चुअल नंबर था 10, ठीक है सर 15, लेकिन हमने उसको पढ़ा था 10, हमारा नंबर था 15 लेकिन जो हमने पढ़ा था गलती से वो 10 पढ़ लिया था, तो हमारा करेक्ट मीन क्या होगा। तीनों ही केसेस में नंबर हमारे 5 ही रह रहे हैं। अगर हमारा सम पहले 50 था, क्योंकि मीन पिछला दिया हुआ है, तो नया वाला जो सम है वो 55 हो रहा है और जो नंबर जो नया मीन है, नया जो मीन है वो हो जाएगा 55/5 = 11। पहला वाला मीन कितना था 10, दोनों ही केसेस में जो सम बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है +5, वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है +5। अगर +5 हो रहा है तो आपके पास क्या है, हमने कहा था मीन होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई पांच लोगों के पास 10-10 रुपए पहले से हैं और एक के पास जेब में 5 रुपए और मिल गए, तो अब करना क्या है सर, 5 रुपए मिले हैं एक को लेकिन ये बटेंगे सब में, तो अगर सब में बटेंगे तो 5 रुपए को कितने में बांटना है, 5 में, तो हर एक को कितना मिलेगा, 1। तो अगर हर एक को 1 मिलेगा तो नया वाला मीन कितना हो जाएगा, नया वाला मीन कितना हो जाएगा 11। अब इसका सारों का, पिछले वाले का भी और इसका भी एक नया फॉर्मूला बना देते हैं। अब आप समझ लीजिए कि न्यू मीन इज इक्वल्स टू, अब इन सब का समझ लीजिए, अगर नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं, नंबर उतने ही हैं, तो न्यू मीन इज इक्वल्स टू ओल्ड मीन। अगर प्लस हो रहा है तो प्लस आएगा, माइनस हो रहा है तो माइनस आएगा, जो भी एड हुआ है उसको सब में बराबर बराबर बांट दीजिए। तो नंबर कितने हैं हमारे, नंबर है n, नंबर कितने हैं n, तो n से उसको डिवाइड कर दीजिए। ये नए मीन का फॉर्मूला होता है सबके लिए। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं पिछला वाला कॉन्सेप्ट समझाऊं कि भाई हमारे पास क्या था, 5 नंबर्स मीन इज 10, each number increased by 2 new mean, तो हुआ क्या है कि मेरा पुराना मीन है 10, 5 नंबर को 2 बढ़ा रहे हो तो उसको आप सब में बराबर बराबर बांट दीजिए, तो कितना आएगा सर 2, तो 10 प्लस 2 हो गया 12। आपसे कह रहा है कि सर 5 नंबर का मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 10, 1 नंबर इंक्रीज्ड बाय 5, तो न्यू मीन क्या होगा, पुराना मीन 10 है, नंबर से 5 बढ़ा है, 5 में ही बटेगा, तो न्यू मीन क्या होगा 11। सर समझ में आया सबको, नहीं? यस सर। दोबारा से सुन लीजिए बेटे, अब सबके लिए एक ही फॉर्मूला बना दिया, सबको अलग अलग नहीं रखा है मैंने, वो तो आप ध्यान रखो, ईच टर्म कह रहा है तो एकदम से प्लस माइनस कर दो, ठीक है, एक टर्म कह रहा है तो उसको नंबर से डिवाइड कर दो, लेकिन मैंने उन सबके लिए एक ही फॉर्मूला बना दिया कि अगर मेरा पुराना मीन बार एक्स है और नया मीन कैपिटल बार एक्स है
तो न्यू मीन इज इक्वल्स टू पुराना मीन प्लस करो या माइनस करो, जितना भी सम आया है उसको सब में बराबर बराबर बांट दो। अब इसका फायदा क्या होगा वो समझ लो। देखो अभी क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है, देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। आपसे कह रहा है कि भाई मीन ऑफ देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सर ये भी बात हो सकती है। मीन ऑफ फाइव नंबर्स इज 10, इफ वन नंबर इंक्रीज्ड बाय वन, सेकंड नंबर इंक्रीज्ड बाय टू, थर्ड नंबर इंक्रीज बाय थ्री, ठीक है, एंड सो ऑन। मैं लिख दे रहा हूं, फिफ्थ नंबर इंक्रीज बाय फाइव। व्हाट इज न्यू मीन? ये क्वेश्चन हो गया। मीन ऑफ फाइव नंबर इज 10, वन नंबर इंक्रीज बाय वन, सेकंड नंबर इंक्रीज बाय टू, थर्ड नंबर इंक्रीज बाय थ्री, एंड सो ऑन। तो क्योंकि मैंने पांच ही नंबर लिए तो पांचवा नंबर पांच बढ़ेगा, तो नया मीन क्या होगा? पहले क्वेश्चन समझो फिर सॉल्यूशन समझो, कितना इजी है। हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है, इन सब का मीन 10 दिया हुआ है। कुछ सोचना नहीं है। आपसे क्या कह रहा है, ये वाला प्लस वन हुआ है, इसमें टू बढ़ा है, इसमें थ्री बढ़ा है, इसमें फोर बढ़ा है, इसमें फाइव बढ़ा है, तो नया मीन क्या होगा? मैंने आपसे क्या कहा है कि भाई जो नया मीन होता है वो पुराना जो मीन है यानी कि 10 और जितना बढ़ा है, तो पहले वाले को एक रुपया मिला, दूसरे को दो, तीसरे को तीन, चौथे को चार, पांचवे को पांच, तो इतना अमाउंट बढ़ गया है। अगर इतना अमाउंट बढ़ा है चाहे किसी के पास कितना भी हो, लेकिन ये बटेगा सब में बराबर बराबर। आदमी कितने हैं, पांच, तो ये सब में पांच बढ़ेगा, पांच से डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो वही चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एपी है 1 2 3 4 5 और इसका आप एक तरह से मीन निकाल रहे हो पांच से डिवाइड करके, तो इसका जो मीन होगा वो थ्री आएगा। इसका मीन क्या आएगा, थ्री आएगा। तो आपका चाहो तो आप समझ सकते हो कि भाई थ्री ले लो, नहीं तो आप देखोगे 3 + 3 = 6 + 4 = 10 + 5 = 15 = 15/5 = 3, तो 10 + 3 = what 13। अब नोट करो जरा, तो न्यू मीन इज इक्वल्स टू ओल्ड मीन प्लस, प्लस कह रहा है तो प्लस, माइनस कह रहा है तो माइनस। अगर कहीं कह देगा माइनस हो रहा है तो ठीक है माइनस कर देंगे, कि पहले वाले में से एक नंबर घटा दिया, दूसरे में से दो घटा दिया, तीसरे में से तीन घटा दिया, तो नया मीन क्या होगा? ठीक है सर, पुराना मीन माइनस जितना घटाया है सब में उसका नुकसान हो जाएगा। लिख लो फिर, अब देखते हैं वो चीज जो हमारे पास घट रही है या बढ़ रही है। अगर एक टर्म हटा दे दूसरी टर्म लगा दे तो क्या होता है? सर नोट कर लिया? यस सर। जी बेटे, सब बच्चों ने नोट कर लिया? सो रहे हैं, जाग रहे हैं सब?
सर जाग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह चलो जी ये कौन है आपदा शकील यस किस बैच से बेटे सर मैंने न्यू जॉइन किया है बेटे कौन से कोर्स की तैयारी कर रहे हैं आप कोई बात नहीं दो दिन पहले किस कोर्स है बेटे बीएनडी ओके ठीक आसिफ यस सर आप तो आपको समझ में आ रहा है बेटा कुछ थोड़ा बहुत हाँ सर आ रहा है पूरा आ गया समझ में वेरी नाइस मुझे रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए हाँ बेटे वो रिकॉर्ड इंशाल्लाह सबको देंगे बेटे असद यस सर आ रहे हैं समझ में कुछ यस सर बिलाल यस सर हमजा हमजा साहब हैं सादिक कुछ यस सर ऑन करके घूमने चले जाते हैं समीर समीर साहब हैं शाहबाज यस सर आ रहा हूं मैं शाहिद साहब यस सर शिनरोज यस सर आ रहा सोएबा सोएबा बेटे सुमैया यस सर आ रहे हैं यूनिस यस सर ठीक नायला यस सर खुशनुमा यस सर कादिर डॉक्टर दानिया यस सर क्या टाइमिंग आपके हिसाब से प्रेफरेबल है सर आपने जो 12 वाला स्लॉट बनाया था सुबह वो ठीक था बिल्कुल 12 से आपने जब तक ली थी उस दिन 12 से 1 तक हुई थी शायद या जब भी आपको ठीक लगे लेकिन 12 वाला ठीक था 12 से 2 आप अवेलेबल हैं यस सर ठीक भाई इंशाल्लाह कल से 12 से 2 कर दीजिए बेटे सर 12 से 2 कर दीजिए जी बेटे वही रमजान में इंशाल्लाह 12 टू 2 कल से इंशाल्लाह रमजान है क्योंकि सऊदी माशाल्लाह हो गया है तो उम्मीद ये इंशाल्लाह कि कल रोजा होगा तो 12 टू 2 इंशाल्लाह क्लास लेंगे आप सहरी करके आराम से सो भी सकते हो रेस्ट कर सकते हो ठीक है और सर जो वो क्लासरूम है गूगल वाला उसमें मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस नहीं है तो वो अगर आप मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक नहीं डालें मैं टॉपिक सारे डाल दूंगा सारे बच्चे जितने भी कोर्सेज के मैंने ऐड किए हैं प्लीज गूगल वाली क्लासरूम ऐड कर लीजिए अपने साथ ज्वाइन कर लीजिए उसमें डाउनलोड करके मोबाइल में लैपटॉप पे जिससे कि आप वहां से सारा डेटा डाउनलोड कर सकें ये वीडियो का लिंक भी इंशाल्लाह मैं वहीं डालूंगा और मैं व्हाट्सएप पे डालता हूँ व्हाट्सएप कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो मैं जीमेल गूगल क्लासरूम पे जो लिंक डालता हूँ वो एकदम से प्रॉम्प्ट आपको मिल जाता है yes, तो टाइमिंग के अच्छा मैं टाइमिंग भी सेट कर दूंगा इंशाल्लाह तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप लोग उसे एक्सेस कर पाएंगे ठीक है और यहाँ पे भी मैं इसमें जूम पे भी ग्रुप्स बनाऊंगा तो आप लोग अपनी जीमेल आईडी पे एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो उस ग्रुप को करते ही वो आपके पास ऑटोमेटिकली एज ए कॉल पहुंच जाएगी ठीक है तो वो पता नहीं रहता कि कब से क्लास हो रही है चलिए देखो अब जो हम क्वेश्चंस कह रहे हैं अब उसकी बात करते हैं जो ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं तो अब हम उस टॉपिक को भी ले लेते हैं तो वो क्या होता है आपसे क्या कह रहा है आपसे कह रहा है बेटे कि भाई हमारे पास क्या है मीन ऑफ दो तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 10 इफ वन नंबर 5 ठीक है इज ड्रॉप ड्रॉप कर दिया आपने हटा दिया ठीक है व्हाट इज न्यू मीन
व्हाट इज द मीन नाउ, ये हमारे पास क्वेश्चन. Mean of 5 number is 10. If one number 5 is dropped, what is the new mean? 9. ठीक है भाई, चलो अब इसको पहले तो समझते हैं. इसको दो तरीके से करेंगे, क्योंकि जैसा मैं आपसे कहता हूँ पहले जनरली जो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है उससे क्वेश्चन करना आना चाहिए, जिससे कि कभी अगर आपको जहन में ना रहे कॉन्सेप्ट तो आप कम से कम कर सकें. तो बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो हर चीज का, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, एवरेज हो, किसी भी चीज का बेसिक जरूर याद रखना है. तो इसको बेसिक से अगर मैं करूँ तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन रहा है वो देख लीजिए. मेरे पास नंबर्स 5 हैं, उनका मीन जो है 10 है. मैं बगैर सोचे समझे इनका सम निकाल सकता हूं, 10 into 5 50. सब बच्चों को पता है ना हम सम निकाल सकते हैं, है ना भाई? यस सर. मीन इज इक्वल्स टू बेटे सम अपॉन नंबर्स. तो जैसे ही आप नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सम आ जाएगा मीन को n से मल्टीप्लाई करके. क्वेश्चन क्या हो रहा है कि भाई हमारा एक आदमी चला गया तो अब हमारे पास 4 ही नंबर रह गए हैं. अगर एक आदमी चला गया 4 नंबर रह गए हैं, वो नंबर था 5, तो फर्क कहां पड़ेगा? जो टोटल हमारे पास 50 रुपए थे वो अब कम हो जाएंगे. अच्छा जी, अब पहले जो उसके 5 रुपए थे वो उसने ले लिए वापस के भाई मेरे पैसे दो मैं तो घर जा रहा हूं, तो 5 रुपए लेके चला गया, तो टोटल अब रह जाएगा 45. तो हमारा जो नया मीन आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 45/4. तो 4 1 4 और 4 1 4 44 हो गया, तो 4 2 8 11 रुपए 20 पैसे के करीब आपका मीन आएगा. तो पहले तो इसे नोट करो बेटे, फिर बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ. इसका शॉर्टकट बताता हूँ, अभी आप जो 9 आंसर दे रहे थे वो गलत था, क्यों था उसकी वजह बताता हूँ. कोई नहीं, अच्छी बात है, आप ट्राई करो. एक नंबर कम हो गया ना, एक पर्सन इसकी वजह से. नंबर भी तो कम हुआ है ना बेटे, वो लेके भी तो 5 ही रुपए गया है ना. यस सर. हाँ, तो ज्यादा नहीं ले गया ना, वो कम ले गया है. चलो पहले नोट करो, पहले इस चीज को नोट करो फिर इसको देखते हैं. तो जिस बच्चे ने अभी पूछा था कि सर अगर हटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका ये वजह है. अब देखो इसे नोट करो, फिर इसका छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ. चाय पी लो भाई आप सब लोग, आज तो रोजा नहीं है तो इसलिए बोल नहीं सकते, मतलब बोल सकते हैं, कल से तो कह भी नहीं सकेंगे, पियेंगे भी नहीं इंशाल्लाह. दो चाय डी हो गई मेरी. अच्छा, कहते ही डी हो जाती है भाई. खाना खाने का टाइम हो गया सर. सर खाना बना नहीं खाते हम, स्कूल में रहते हैं, यहाँ बैठते हैं अकेले आके, तो यहाँ खाना बना नहीं खाते हैं. शाम में जाएंगे हम, सुबह आते हैं फिर शाम में जाते हैं. सर आपको क्या लगता है, पेपर्स अगर पोस्टपोन होंगे एंट्रेंस, तो फिर कैसा बनेगा, डिफिकल्ट या फिर इजी? कितनी अच्छी बात है बेटे, एंट्रेंस हमेशा दुआ करना अल्लाह से कि वो टफ बने, ये मैं हमेशा कहता हूँ. क्यों सर? हाँ यही तो बता रहा हूँ, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, जैसे आप माशाल्लाह अब इस लॉकडाउन में भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं या सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो हमेशा दुआ करें कि टफ पेपर आए, क्योंकि जो एंट्रेंस होता है उसमें 80-90% बच्चे वो होते हैं जो पढ़ते नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी. चाचा ने कह दिया, अब्बा ने कह दिया, प्रोफेसर कोई रिश्तेदार थे उसने कह दिया, फॉर्म भर दिया, तो वो गिनती बढ़ाते हैं. उन्हें तैयारी से, उन्हें सिंसियरनेस से कोई मतलब नहीं है. अब अगर क्वेश्चन आया 2+2 तो वो भी लिख देगा 4 और आप भी लिखोगे 4. लेकिन अगर क्वेश्चन आया 1² + 2² + 3² + 5² तो वो सिर पकड़ लेगा, आप कर दोगे, हम कर लेंगे. यस आया समझ में? तो बस इतनी दुआ किया कीजिए, अल्लाह मियां पेपर टफ दे. हाँ, उसमें अगर और अच्छी दुआ करनी है तो उसमें ये दुआ कर ले, अल्लाह मियां पेपर टफ दे लेकिन मुझे आता हो. यस करती हूं. आया समझ में? तो सीधी सी बात है बेटे, फंडा के लिए रहे, कभी भी पेपर टफ है आसान, लेकिन सारा आना चाहिए. हाँ, लेकिन नहीं, ये नहीं, आसान होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना मेरे चांस, सबको होगा तो मेरिट खत्म ना हो जाए. जब आप सब्जेक्टिव पेपर दो अपने सिलेबस का,
तो उसमें 100 मार्क्स लाना जरूरी है, दूसरे की भी आ जाए, पूरी क्लास की आ जाए, लेकिन मेरी भी आ जाए, तो भाई मैं 100% मार्क्स, तो वहां दुआ करो इजी पेपर आए, ठीक है, क्योंकि वहां परसेंटेज ऑफ मार्क्स मैटर करता है, एंट्रेंस में नहीं करता। एंट्रेंस में तो ये कि दूसरे ने अगर 2 करें, आपने 3 कर दिया, आपका हो गया बस। यस सर। ठीक है बेटे, देखो अब इसको समझो। चलो पहले तो मैं इसी क्वेश्चन को और चेंज करता हूँ। अभी हमने क्या किया था, 1 नंबर इज ड्रॉप। अगर इसी में आपसे कहता नहीं 1 नंबर 5 इज एडिड, एक और नंबर आपने एड कर दिया, तो कम से कम आपको आना तो चाहिए ना। तो अब उस केस में क्या हुआ होगा, नंबर हो गए होंगे बेटे 6, नंबर कितने हो गए भाई, बात समझ में आ रही है? यस सर। मीन ऑफ 5 नंबर्स, क्वेश्चन वही ले रहे हैं हम, तो उसमें ये भी चेक कर लो कि हुआ क्या है। दोनों का फिर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हमारे पास 5 नंबर थे बेटे जिनका मीन था 10, आपने एक नंबर जो है 5 उसको एड कर दिया, तो 2 जगह चेंजेस आएगा। एक तो ये होगा कि अब नंबर कितने हो गए, अब नंबर हो गए 6, और एक आएगा टोटल चेंज हो गया होगा, क्योंकि पहले हमारे पास 50 रुपए थे 5 लोगों के पास, एक नंबर और आ गया और उसके पास 5 रुपए हैं, तो अब हमारे पास हो गया क्या, 55। यस, तो अब हमारे पास जो नया सम आया होगा वो 55 हो गया होगा। ये हमने दोनों को लिखे रखते हैं, ये हमारा था माइनस, अब हमारे पास हो गया प्लस, तो हमारे पास हो गया 55। तो मीन हमारा जो आएगा वो आएगा 55/6, 55/6। तो अब हमारे पास क्या होगा भाई, 6 9 54 है ना भाई, 6 9 54, 6 1 6, अब मिलेंगे 9.1 रुपीज। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। ये हो रहा है, अभी से भी नोट करो, इसे भी इतना सा ही नोट कर लो, 1 नंबर इज एडेड, तो व्हाट इज न्यू मीन। अब मैं इनका दोनों का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इंशाल्लाह। वन प्लस होने पर सर माइनस एक्स कम है, क्या कह रहे हो? वन प्लस एक अगर प्लस होता है तो एक कम होगा, माइनस होगा, नाइन हो जाएगा। अगर माइनस करते हैं तो फिर बढ़ जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है। अरे मेरे अल्लाह, सर जी सर हम इसमें एक चीज और नहीं कर सकते कि मतलब जो चेंज है सिर्फ उसी को प्लस माइनस करके निकाल लें? इतना आसान नहीं है सर। जैसे अगर मान लीजिए नीचे वाला नंबर चेंज हो रहा है ना बेटे, प्रॉब्लम ये, अभी बताऊंगा, डरो मत, टेंशन मत लो, अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन इसे नोट सर मैं बता रहा हूँ सर मैंने कैसे करा था। जी बताइए सर। जब हम कोई नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं, जो पहला वाला केस था हमारा कि जब हम कोई नंबर इसमें से ड्रॉप कर रहे थे, ठीक है सर, तो सर जब हम नंबर इसमें ड्रॉप कर रहे तो हमारा जो नंबर है वो कम हो गया, तो जो हमारा पहले एवरेज था उसको मैंने 10 एज इट इज रहने दिया, और जो इसमें चेंज आया, जो मैंने 5 ऐड करा है, उस 5 को अब मैंने जो कि नंबर अब मेरा 4 बचा उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, दूसरे वाले में क्या करा? और दूसरे वाले में सर मैंने उसी चीज को रिवर्स कर दिया,
इसमें ड्रॉप कर रहे हैं तो टोटल एवरेज में से मैंने इसको माइनस कर दिया और जो चेंज आता 5 का उसको अब मैंने 6 में डिवाइड कर दिया। क्या मतलब दोबारा कहिए? टोटल एवरेज जो सर टोटल एवरेज वो 10 था हमारा, वो 10 रहने दिया और यहाँ पे मैं एक नंबर ऐड करा है मैंने, तो ऐड करा तो इसलिए मैंने इसमें से माइनस कर दिया और जो चेंज था 5 उसको मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। ठीक, नोट कर लिया आप सब बच्चों ने? वेरी गुड। क्या नाम आपका, कौन बोल रहे हैं? आसिफ। आसिफ माशाल्लाह, वेरी गुड आसिफ। अभी समझाते हैं जी, कॉन्सेप्ट यही है, इसको समझाते हैं। भाई नोट कर लिया बच्चों सबने? यस सर। देखो अब हुआ क्या, अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हो क्या रहा है, हो ये रहा है सर कि हमारे पास क्या है, 5 नंबर्स हैं, अगेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, और सबका मीन है 10। तो इसके बाद इसका मतलब सबके पास 10-10 रुपए हैं। आप क्या कह रहे हो, इफ ए नंबर 5 इज ड्रॉप, एक नंबर जो है वो एक नंबर 5 रुपए थे उसके पास, उसने ड्रॉप कर दिया, ठीक है सर, तो वो अपने पैसे लेके चला गया। अब अगर अपने पैसे लेके चला गया, ठीक है सर, अपने पैसे लेके चला गया, तो अब हमारे पास नंबर बचे 4। लेकिन अच्छी बात क्या है, वो सिर्फ 5 ही रुपए लेके गया है। कितने लेके गया है? 5 रुपए। लेकिन जब वो हमारे ग्रुप में था तो हमने उसे बराबर बराबर बांट के 10 रुपए दे रखे थे। कितने दे रखे थे? 10 रुपए। तो इसका मतलब उसकी वजह से 5 रुपए बच गए कि भाई मुझे तो मेरे वाले 5 रुपए दे दो और मैं जा रहा हूं। समझ में आया? तो अब ये जो 5 रुपए बचे हैं ये कितने लोगों में बटेंगे? 4 में। बेटे सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अब ये 5 रुपए 4 में बटेंगे, तो अगर 5 रुपए 4 में बटेंगे तो 4 1 4 और फिर आपके पास आ गया 10, तो तकरीबन 1 रुपया 20 पैसे और सबको मिलेंगे। तो 10 पहले से था, 1 रुपया 20 पैसे और हो गया, तो नियरली हमारा एवरेज कितना हो गया भाई? 11.5। बेटे सबको समझ में आई बात ये? यस। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अगर हमने ये कहा होता कि नहीं भाई हमारा जो वो था, क्या नाम था नंबर, वो 15 था साहब, और वो चला गया घर अपने, क्या हो गया सर? हमने पहले तो कहा इफ वन नंबर 5 इज ड्रॉप, तो 5 वाला अगर ड्रॉप हुआ है तो हमें 5 रुपए बच गए थे, तो वो हमें सब में 4 लोगों में बांट दिए। लेकिन अब वो वाला जो नंबर था उसके थे 15 रुपए, भाई मेरे तो पैसे ज्यादा हैं और मुझे एवरेज मिल रहा है कम, तो मैं तो घर जा रहा हूं, तो उसने 15 रुपए लिए और चला गया। अब 15 रुपए लेके अगर गया है तो वो 5 रुपए एक्स्ट्रा ले गया हम लोगों से, यस और नो? यस सर। अब ये 5 रुपए कहां से आएंगे भाई? तुम भी पहले वाले, तुम भी पैसे दो, तुम भी पैसे दो, तुम भी पैसे दो, तुम भी पैसे दो, इसके 5 रुपए दे के इसे भेजना है। अब माइनस करेंगे तो 1 रुपया 20 पैसे सब में से क्या हो जाएगा? माइनस। सर समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि जो हमारा मीन है, हमारा जो मीन है और जो नंबर ड्रॉप हुआ है, ठीक है सर, उसका डिफरेंस लेना है। मीन ज्यादा है, नंबर ड्रॉप हुआ है तो प्लस में आएगा, तो हमेशा आप प्लस कर दोगे, और अगर मीन कम है, नंबर ड्रॉप जो है ज्यादा हुआ है, और कितनों में रह गया, एन नंबर्स थे, एक नंबर ड्रॉप हुआ है,
तो उसमें हो जाएगा, तो ये हमारा ओल्ड मीन आ जाएगा। तो ये हो गया न्यू मीन का फॉर्मूला। जो पुराना मीन है, जो नंबर ड्रॉप हुआ है, उसका डिफरेंस। अब जो डिफरेंस है, अगर प्लस है तो सब में बढ़ेगा, माइनस है तो घटेगा। कितने में घटेगा? कि भाई पहले एन नंबर थे, एक चला गया, तो वो पुराने वाले मीन में प्लस या माइनस हुआ। अच्छा, प्लस माइनस क्या है? मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हमारा जो नंबर है वो छोटा है और मीन बड़ा है तो प्लस में आएगा, तो पुराने वाले मीन में प्लस हो जाएगा, और मीन अगर छोटा है, नंबर बड़ा है, तो वो माइनस में आएगा, तो वो मीन में से माइनस हो जाएगा। भाई बात समझ में आ गई सबको? तो हमारा कॉन्सेप्ट वो पहले वाला भी है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए कि भाई पहले वाला भी है कि भाई हम सीधा सीधा सा ये जो हम कर रहे हैं कि पुराना मीन कितना था, नया मीन कितना है, पुराना सम कितना था, नया सम कितना है, उससे भी हम कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम सीधा सीधा सा इससे भी कर सकते हैं, ये जो भी हमने डिस्कस किया है। सेम अगर हमारे पास नंबर ऐड हो रहा है, तो नंबर अगर ऐड हो रहा है तो यहां एन माइनस वन की जगह एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है सर जी? नोट करना चाहे तो कर लें। इस पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये जो हमने पढ़ लिया तो इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, आप में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ हो, 20 मिनट है, 15 मिनट, तो दो चार क्वेश्चन पूछ लीजिए डाउट्स हो, फिर इंशाल्लाह एक क्लास इसकी उसकी कर लेंगे और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब मैं क्वेश्चंस डालूंगा जो आपके प्रीवियस पेपर्स में जो एवरेज के क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ एवरेज के क्वेश्चंस, तो वो मैं शीट डालूंगा, तो जिससे आपको आइडिया हो जाए कि पिछले 2-3-4 साल में आपके लेवल पे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ इतने टॉपिक में हमारे क्वेश्चंस हो गया है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो प्लीज पूछिए। सर 33 बता दीजिए। बिल्कुल जरूर, कल क्लास होगी इंशाल्लाह, दो चार डाउट्स भी लेंगे मैथ्स के और रीजनिंग का एक पार्ट भी करेंगे। Then चलो ये आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी बताओ जरा आंसर इसका। देखो आपका दिल खुश हो जाएगा, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन विजिबल है सब बच्चों को? द एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 23, अमंग देम सीता इज द हैवीएस्ट व्हाइल टीना इज द लाइटेस्ट, इफ बोथ ऑफ देम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास स्टिल द एवरेज रिमेन्स सेम, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द सीता टू टीना इज 15:8, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द टीना। दो चीजें मिला दी इसलिए थोड़ा गड़बड़ है, बट क्वेश्चन
ऑलमोस्ट अभी भी है वहीं तक अगर आप समझ सकते हैं तो ट्राई करते हैं सर एक बार। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ चलो मैं अभी इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ आप सब बच्चों के लिए। मुझे ये बता दीजिए व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ सीता एंड टीना, आपके लिए इजी कर रहा हूँ। व्हाट इज टोटल वेट ऑफ टीना एंड सीता, उन दोनों को जो हटाया है उनका वेट क्या होगा? बहुत सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए था, सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए था टोटल वेट ऑफ टीना एंड सीता। आंसर दीजिए ना बेटे। नहीं समझ में आया जी? अरे जाग रहे हो तो बोलो ना, नहीं समझ में आया नहीं आया सर। 15 यस। टोटल वेट आपने आंसर दिया है टीना के वेट का या टोटल वेट ऑफ टीना सीता बताया? टीना का है, टीना का वेट 15। ओके ठीक है, देखते हैं अभी क्या आता है, मुझे नहीं पता, मैंने सॉल्व नहीं किया। हाँ जी, सब बात जो बटालियन है सो रही है जाग रही है? जाग रही है। तो बताओ ना टोटल वेट ऑफ टीना सीता कितना होगा? 15 और 8 15 और 8 टोटल वेट ऑफ टीना एंड सीता, मैंने सिर्फ इतना सा पूछा था। आइए सर, आप अभी भी वही हैं जान नहीं होना चाहिए था। किसी को आंसर पता है टोटल वेट कितना है दोनों का? हाँ भाई, जिन्होंने सॉल्व किया है 15 जो बता रहे हैं या 8 बता रहे हैं, दोनों का वेट कितना है? 23 दोनों का। यस सर। टोटल? यस सर। नहीं, आइए आपसे क्या कह रहे हैं एवरेज, आओ सब बच्चे देखो जरा ध्यान से, आप तो डर जाते हो सारे के सारे, दिमाग बंद कर लेते हो। द एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 23, आपके पास क्या है? 30.8 दोनों का टोटल। आओ देख लेते हैं अब आप लोग कितने पानी में हो। आपसे कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 23, सिर्फ इस लाइन का मतलब सब बच्चों को पता है क्या कि भाई आपके पास 39 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स 39, और सबका जो वेट है एवरेज वो 23 है। सर इसका इस लाइन का मतलब यही होता है या नहीं होता? हाँ भाई, अरे सब बोलो ना। यस सर। आज तो रोजा भी नहीं है, आज तो बोलो कम से कम। यस सर। है ना भाई, तो सबका जो एवरेज वेट है वो 23, इसका मतलब सबका वेट 23 है। अब इससे आगे की लाइन पढ़ो कितनी मजेदार है, पता नहीं कहाँ डर जाते हो आप लोग। देखो कितनी मजेदार लाइन दी है उसने, उसने क्या कहा है बेटे, अमंग देम सीता इज हैवीएस्ट व्हाइल टीना इज लाइटेस्ट। इसका मैथ से कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लाइटेस्ट है हैवीएस्ट है। मेरे से फर्क कहाँ पड़ता है जो इस क्वेश्चन में दिया है, मुझे फर्क यहां से पड़ेगा इफ बोथ ऑफ देम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास स्टिल द एवरेज रिमेन सेम। इसका क्या मतलब है सर जी? इसका मतलब यह है कि अगर इन दोनों को हटा भी दिया जाए तब भी जो एवरेज है वो दोनों का क्लास का सेम रहता है। हाँ भाई, क्लास का एवरेज क्या रहता है? सेम रहता है। सेम। तो इसका मतलब क्या है, टीना कितने पैसे लेके गई होगी अपने साथ? 23। और सीता कितने लेके गई होगी? 23। तो दोनों कुल मिला के कितना लेके गए होंगे? 46। अलग अलग ले गए होंगे, किसी के पास 5 होंगे किसी के पास 41 होंगे, लेकिन दोनों लेके कितने गए होंगे? 46। आसान सर, बात समझ में आई नहीं आई?
तो फिर इतना इतना सोच नहीं सकते थे तुम लोग? सर कंफ्यूज हो रहे थे। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो मेरे बच्चे? यही तो समझा रहा हूँ, क्योंकि उनके हटने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब जितने जितने भाई तुम अपने लेके चले जाओ, जाओ खुदा हाफिज, तुम्हारे पास जो पैसे तुम ले जाओ। तो इसका मतलब उन दोनों का सम 46 ही था, दो में डिवाइड करते तो 23-23 रुपए ही आता, और जो बाकी बचे उनका भी अगर डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। तो उसका इतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं लगाना है। अब जब आपको ये पता चल गया कि टीना का और सीता, क्या नाम है उसका, ठीक है, टीना और सीता का वेट 46 है, अब ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया। शायद सब बच्चों को आता हो कि भाई 15:8 का मतलब क्या होता है ना बेटे, ये तो शायद सबको आता हो, नहीं आता तो फिर भी सीख लो। कि अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब इसे देख लो, यहाँ देख लो दूसरा क्वेश्चन कि भाई दोनों का जो वेट है वो 46 है और दोनों का जो रेशो है वो, ठीक है भाई, एक सेकेंड बेटे, एक सेकेंड जी, अस्सलाम जी, क्लास है जी, सामने जी। लैपटॉप को शो नहीं कर रहा, सेटिंग्स में जाके पहले ये देखिए कि ये स्कैन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। मुझे पांच मिनट दीजिए, मैं फिर वो ऑनलाइन यहीं से कर दूंगा जैसे पहले किया था। नहीं उससे नहीं, जैसे मैंने ऑनलाइन किया था, मैं मुझे 5 मिनट दो फिर देख के करता हूँ, ठीक है, यहीं से कर दूंगा कनेक्ट, देखता हूँ। तो वो गूगल की शीट होती है ना या गूगल का फॉर्म होता है तब खुलता है, तो इन्हें कहिए ना लैपटॉप सीखे ये। मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं जरा क्लास कर लूं फिर आपसे बात करूं। जी बेटे देखो इधर, अब इतना तो सबको पता होगा कि टीना इज टू सीता 15:8 दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है? इतना तो बेटा आप सब बच्चों ने सीखा ही होगा कि भाई हम ये सपोज कर लिया करते थे, याद हो बचपन में, कि टीना इज इक्वल टू 15x, इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा अभी, और सीता इज इक्वल टू 8x, है ना भाई? तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, 15x प्लस 8x इज इक्वल टू 46, तो ये हो गया बेटे 23x, तो 23x इज इक्वल टू 46, तो x इज इक्वल टू 2। अब अगर मेरा x इज इक्वल टू 2 है तो टीना है बेटे 15 × 2, 15 × 2 30, और सीता है बेटे 8 × 2, 8 × 2 इज इक्वल टू 16। कुछ समझ में आया बेटे? समझ में आई बात? नोट करो पहले से, इसे नोट करो, फिर शॉर्टकट भी बताता हूँ, इसका भी शॉर्टकट बताता हूँ, ये भी एक चीज क्लियर हो जाएगी। करो शाबाश। तो चीजों को ना लाइट लिया, इतना लंबा समझाया सारा पूरी क्लास में, और फिर वो चीज वहां पहुंच नहीं पाए कि एवरेज का मतलब क्या होता है। सर क्वेश्चन गलत नोट कर लिया था इसलिए हो नहीं पाया। अजी कुछ ही कर लो, हमने तो क्वेश्चन लिखा था सामने, पूरा उठा के टाइप कर दिया। वो मीन को एन ले लिया था और एन को हम क्या मीन? हम क्या करें सर, बताओ, इंग्लिश में लिखा हुआ है सर, हमारी सबकी इंग्लिश ऐसी ही खराब खतरनाक है। है जी, अगली बार सबकी इंशाल्लाह। चलो पहले से लिखो, पहले तो पहले से लिखो, चलो शाबाश। अरे मेरे अल्लाह, डन बेटे।
कादिर में अनम्यूट करो, माइक को अनम्यूट करो. थैंक यू. हो गया बेटे ये? देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है, अब ये समझ लो, इस चीज को भी समझ लो, अगर कभी आपको ये दे दिया बेटे कि भाई दो लोगों का जो सम है ठीक है वो 46 है और जो दो लोगों का रेशो है वो 15:8 है, तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. अगर मान लो आपसे कह रहा है टीना का वेट बताओ, तो टीना जो है बेटे दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एक्चुअल सम, एक्चुअल टोटल, और एक होता है रेशो का सम, रेशो का टोटल. तो अब टीना कितनी है? टीना है 15. रेशो का जो टोटल है वो कितना है? 23. तो टीना 15 है आउट ऑफ 23. अगर टोटल 23 है तो उसमें 15वां हिस्सा जो है टीना का है, लेकिन जो टोटल जो हमारे पास है वो है 46. तो ये कितना होगा? तो फिर इसको 15x plus 8x लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखते हैं टीना इज इक्वल्स टू फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 है 23 में से, तो 46 में से कितना होगा? तो इस तरह से बेटे डायरेक्ट आ जाता है. कितना आ गया बेटे, समझ में आई बात? आपसे कह रहा नहीं सीता बताओ, तो सीता है 8 पार्ट आउट ऑफ 23, हाउ मच इन 46, तो बेटे ये आ जाएगा 60. इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे. तो प्लीज अब दोबारा से इस क्वेश्चंस करिए सारे जाके, और अलग अलग एंगल से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग एंगल से, कि हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, तो उससे आपको क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा. और अगर आपको टाइम मिल गया तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी इंशाल्लाह आपके सिलेक्शन की ज्यादा हो जाएगी. सर सही है? यस सर. चलिए ऑल द बेस्ट, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए. एक ही टॉपिक ले, अच्छा ये देखो इधर माइक बंद करो, ये देखो ये देखो ये देखो, हमने जो क्वेश्चन आपका लिया है वो कहाँ से लिया है? आपको देख के खुशी होगी, हमने ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया था. कुछ नजर आया क्या लिखा हुआ है? जी सर. जामिया 2019 का बीए पोल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ठीक है, बीए प्रोग्रामिंग, बीए ज्योग्राफी का जो पेपर आता है ये उसका क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको कराया. तो अब हर पेपर से आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि ये आपके एवरेज वाले क्वेश्चंस आपको दे सकूं. तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 22 था जो मैंने अभी आपको कराया. दिल खुश होता है ना जब एक क्लास के बाद एक क्वेश्चन हो जाए. सर एक सेकंड, सॉल्यूशन आप फिर से दिखाइए. हां बेटे सॉल्यूशन एक फिर से दिखाइए एक सेकंड के लिए. कौन सा सॉल्यूशन? इसी का? जी सर. एक मिनट, मैं अभी इसका पीडीएफ बना के तो सॉल्व हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, अभी आपको भेज रहा हूं. तो पीडीएफ देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हैवी वीडियो होगी. कल वाली क्लास की भी पीडीएफ भेज दीजिएगा भाई साहब. मैंने उसी टाइम शायद डाल दिया था, कल तो नहीं परसों हुई थी ना क्लास, उसी टाइम आपके क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में डाल दिया था. चेक करो जरा. सर जी कल भी हुई थी ना मैथ की क्लास? कल बेटा मैंने तो नहीं ली थी. अच्छा कल सुबह लिया तो थे आपकी क्लास? हाँ सर उसी की बोल रहा था, वही वही वाले पीडीएफ. तो मैंने डाला नहीं था पीडीएफ? नो सर. मैंने कल वाला भी डाला था शायद, मैं देखता हूँ. चलो देखता हूँ, मैंने गूगल क्लासरूम पे शायद उस पे स्ट्रीम में डाल दिया, मैसेज में चेक कर लेना एक बार. ओके ओके हो गया सर, ऑल द बेस्ट. चलिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा, मेहनत करिए बेटे, थोड़ा थोड़ा सा जहाँ से भी मिलता रहे उसको सीखते रहिए बस. और सारे ग्रुप में बच्चों को बता दीजिए, मुझे मुझे इस पे मेल कर, पे आपको कनेक्ट करना है तो ग्रुप बना दूंगा मैं आप लोगों का इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. कल 12 बजे होगी क्लास? 12 बजे इंशाल्लाह.
चलिए लीव कर जाइए। लीव करिए बेटे। डॉक्टर नायला, खुशनुमा, इस्तखार, लीव द ग्रुप।